हाय गाइस, अभी मैं हूँ दिल्ली के मजनू टीला एरिया में, जहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए लगभग 150 परिवार रह रहे हैं। और किन हालातों में है वो हमने उनसे बात करने की कोशिश की है और जाना है उनका हालचाल, उनके रीति रिवाज क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, भारत में आने के बाद वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान के उनके क्या अनुभव थे, सब कुछ साझा किया उनने हमारे साथ इसी वीडियो में। CAA कानून पूरे देश में लागू हो गया है। इस फैसले से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज भारत आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों की नागरिकता की रास्ता आसान हो जाएगी। अगर बात पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों की करें तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन वहाँ की कुल आबादी के अनुपात में यह संख्या बहुत ही कम है। सबसे अधिक संख्या हिंदू माइनॉरिटीज़ की सिंध प्रांत में है। उनकी दशा बड़ी ही ख़राब है, जैसे तैसे वह अपना जीवन जी रहे हैं और वर्ष 2011 से उनका पलायन हिंदुस्तान में लगातार जारी है। अभी मैं जहाँ हूँ मजनू के टीले पर, वहीं आकर वो रहते हैं और इसी जगह को अपना ठिकाना बनाते हैं। वहाँ से वो हरिद्वार के टूरिस्ट वीज़े पर भारत आते तो हैं, लेकिन वापस फिर नहीं जाते हैं। आखिर क्या दर्द है, क्या वो झेलते हैं पाकिस्तान में, सब कुछ बातें की हैं मैंने उन लोगों से मिलकर के। कुत्ते तो और वो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज से, जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, यह भी जाना है मैंने। और साथ ही बात की है अलग अलग लोगों से और वो किस तरह से हिंदुस्तान में सेफ महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान का उनका जीवन कैसा था। और ये वो बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा तो पैदा हुए थे सिंध में, जो अभी पाकिस्तान में हैं, लेकिन इन बच्चों का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, क्योंकि 11 साल पहले इनके माँ बाप यहाँ पर आए हुए थे और अलग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ये देखिए झुग्गी नंबर 82 अभी है। क्या करो बेटा, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार नाम है? हाँ। अरे पापा का नाम क्या है? नारंग। नारंग, नारंग के बेटे राजकुमार हमारे साथ में हैं और ये भी मुझे मिले हैं इसी मजनू के टीले पर। बड़े प्यारे बच्चे हैं। पार्टीशन के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों से मैं आपको मिलवाता ही रहता हूँ, लेकिन पार्टीशन होने के कई सालों बाद, यही कोई तकरीबन एक दशक पहले, कुछ परिवार पाकिस्तान से पलायन करके हिंदुस्तान आए। वो क्या कुछ वजह रही हैं कि वो लोग वहाँ से क्यों आए, और उन्हीं हिंदू परिवारों के बीच में अभी मैं बैठा हुआ हूँ। हमारे साथ में है सोना दास जी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जय श्री राम। सोना दास जी बहुत मुश्किल में ढूंढ के धान के यहाँ तक पहुँचे हैं हम, लखनऊ से यहाँ तक। तो आप तो पाकिस्तान के किस हिस्से से आते सर? सिंध के हम। आप सिंध के? हाँ सिंध। जनपद कौन सा था? सिंध टंडो मामद खान। टंडो मामद खान पाकिस्तान से आए हैं सिंध हैदराबाद। बड़ी अच्छी बात है। ये आप लोग किस सन में आए थे यहाँ पे, कुछ याद है? 2011 में आए। वो सब क्या वजह थी जिसके बाद, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? एक बात है, अपना घर बार छोड़ने के लिए इंसान की कोई दिक्कत आ जाती है किसी पे, तब तो छोड़ता इंसान घर। बिल्कुल सही बात है। तो ज़्यादा तौर पे तो वहाँ पे धर्म परिवर्तन लोग ज़्यादा कर रहे थे वहाँ पे, जो हिंदू संख्या जो हमारी है वो बैठी थी। हम लोगों ने सोचा, हमने कहा, हम लोगों ने अभी वहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, तो निकलना पड़ गया वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी वैसे भी बहुत कम है, लेकिन अनवरत घटती हिंदुओं की संख्या से परेशान होकर वो लोग दबाव बना रहे थे अनावश्यक तरीके से कन्वर्जन करने का। तो आप लोगों ने बेहतर समझा कि अपनी जमी जमाई जो बुनियाद है, घर है, सब छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान की तरफ पलायन कर। पलायन किया, मगर ऐसे पलायन नहीं किया है, सब लीगल तरीके से है, सबके पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ है, ऐसे नहीं है जो अनलीगल है, सब लीगल है। नहीं वो तो अच्छी बात है, हिंदुस्तान चूँकि हिंदुओं की यहाँ पर संख्या बहुतायत है, हिंदू मेजॉरिटी में है,
तो फिर उसके बाद भी आपने लीगल और पूरा प्रोसेस वीजा का फॉलो किया, उसके बाद ही आप यहाँ पे आए। लेकिन आपका वीजा कितने साल का था यहाँ पे? हमारे जो है ना, जो धार्मिक जो वीज़ा रहती है अपना, जैसे हरिद्वार है, कुंभ का मेला है, ऐसे हम लोगों ने वीज़ा वहाँ से ली थी। मगर वहाँ से हमने सोच कर ये ली कि हम भारत के अंदर जाएंगे तो वहाँ वीज़ा बढ़ा के वहाँ से अब लौटना नहीं है दोबारा, लौटना नहीं है दोबारा। तो वहाँ से पलायन करते समय क्या क्या चीज़ें ला पाए थे आप? वहाँ से सब कुछ तो हमने छोड़ दिया था वहाँ पे। 2011 में हम आए थे, प्लान इंसान करते हैं तो घर बार जमीन जायदाद सब छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या काम करते थे पाकिस्तान में? वहाँ पे अपने हम लोग पैसा नहीं ज़्यादा तोड़ते और बार बारी तरबूज का काम, खरबूजे का काम, आम का, केलों का ठेका वगैरह, जो बहुत सारा काम था करते थे, मगर छोड़ दिया हमने। कैसा माहौल था पाकिस्तान का? वहाँ के जो हिंदू बेचारे वहाँ के जो है ना, सारे बेचारे डरे हुए हैं हिंदू। वहाँ के हिंदू बेचारे जैसे कसाई के सामने बकरे रहते हैं, ऐसे हिंदू बेचारे वहाँ जैसे कसाई के सामने बकरा रहता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वहाँ पे। उससे कर तो वहाँ पे देखे, हम लोगों ने सोच लिया, हम लोगों ने कहा भाई अभी जितना हमारा समय गुजरा वो उतना निकाल लिया, जब हमारे पीछे की भरोस जो बच्चों की जो भरोस जो छोटे बच्चों की है, कम से कम भारत के अंदर जाके जीवन तो अपना सवार लेंगे, इस हिसाब से वहाँ से निकलना पड़ गया। आपके साथ में कितने लोग आए थे? हम 2011 में जब आए थे तो 150 लोग। 150 लोग लेके आए अपने साथ में आप, और सभी आकर के यहीं दिल्ली के मजनू का टीला पे बस गए? हाँ, मजनू के टीले में बस गए, यहाँ पे रह गए। अच्छा, जब आप यहाँ आए रहे होंगे तब जंगल वंगल होंगे यहाँ पे? हाँ, ये तो 2000 है अपना 15-16 में यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे बाबा का डेरा था, वो डेरे में आते रह गए। फिर यहाँ से हम यहाँ पे भी हमने दर्शन चले गए, हम फिर वहाँ से आने के बाद भी आपको तमाम सारी तकलीफें हुई हैं? हाँ, 2011 में यहाँ पे आके फिर भी थोड़ी सी तकलीफ है, मगर कम से कम हमारी बहू बेटी बहू बेटियों की अस्मत को कोई दिक्कत नहीं है, वो सुरक्षित पूरी तरह से है हिंदुस्तान। हाँ, एक बात बताओ, हमारा देश एक भारत है जिसे में हिंदू आके शर्म लेगा, और तो देश नहीं है जिसे में हिंदू जाके शर्म लेगा, नहीं लेता। एक ही भारत तुम्हारा देश है जिसे में हिंदू कोई भी देश में है वहाँ पे तकलीफ होगी, जहाँ कोई उनके दिक्कत आ जाएगी तो बेचारा भारत के हमारे भारत के अंदर ही तो आएगा। बिल्कुल सही, हमारा भारत एक देश हिंदू का है जी, वहाँ से निकलना पड़ गया। आपके बच्चों के जन्म वगैरह पाकिस्तान में ही होंगे तो? हाँ, सारे बच्चों के जन्म पाकिस्तान में है वहाँ पे। तो आपका वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट थे पाकिस्तान के रहने वाले लोग, उनसे उठना बैठना था कि नहीं था? था, ऐसे नहीं है, था उससे बात उठना बैठना था, अभी भी बातचीत करते रहते हैं। फोन वगैरह आते हैं? हाँ। तो लेकिन कोई मोह तो नहीं है पाकिस्तान के प्रति? कैसे, कोई मोह तो नहीं है, मोहब्बत तो नहीं बची अभी? पाकिस्तान हमारा है, वो पाकिस्तान थोड़ी है, वो सिंध है, वो सिंध हमारा ही है, हमारा ही है, भारत का वो हमारा अंग है, कहते हैं ना सिंध गुजरात मराठा कहते हैं, वो सिंध हमारा ही है, वो होगा भी हमारा, समय पे हो जाएगा ही हमारा, होगा ही हमारा। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी आया है तो सिंध हमारा ही होगा, सिंध हमारा होगा। और पूरी तरह सोनालाल जी आश्वस्त हैं कि राष्ट्रगान में जिस तरह से पंजाब सिंध गुजरात मराठा आता है, तो पंजाब का वह हिस्सा, सिंध का वह हिस्सा जो अभी के पाकिस्तान में चला गया है, हमारा ही होगा, हमारा ही होगा। आप पूरी तरह, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत की जो तस्वीर है वो फिर से बने, और बनेगी, ऐसे नहीं है हमारा अखंड भारत तो बनेगा ही बनेगा, मगर ये तो सिंध है, पूरे विश्व के अंदर है ना हमारा अखंड भारत का सिलसिला चल रहा है, पूरे विश्व मान रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मान रही है, पूरे विश्व मान रही है, तो पता नहीं कितने सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भारत के अंदर जो अभी आए हैं, ये साक्षात ईश्वर रूप है उनका, जैसे
मियाँ शेरावाली का शेर है, दारू की जो है ना वो पूरे विश्व में है, तो हमारा अखिल भारत तो होगा ही होगा, वो तो पक्की बात है। देखो भाई, जो किसी के कोई देश मुसलमान करंट जो मुसलमान का देश जो भी है उसी में हमारे अच्छे अच्छे मंदिर बन रहे हैं, वो ये विश्व भारत के विश्व आपका विवाह वहीं पाकिस्तान में ही हुआ हुआ। हाँ, आपके घर से कितनी दूर था वो जगह जो हमारे ससुराल? हाँ जी। अच्छा, वो थोड़ी सी जैसे फरीदाबाद है, जैसे इंसार जो है भाई 20-50 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा, तो जब शादी बरातें होती हैं तो आपस में हिंदू मुसलमानों का आना था कि नहीं? नहीं नहीं, हम मुसलमानों को दावत देते नहीं थे। दावत नहीं देते? नहीं नहीं, वहाँ पे हमारे अपने में जो हमारे हिंदू है उसे भी ऐसे नहीं, अपने में शादी कर ले, अलग जाति रहती है हमारे भी, जैसे का हम हिंदू है जी। पहली बार तो हम हिंदू है, मगर वो थोड़ी सी जाति गलत थोड़ी सी होती है, उसी में देन लेन करते हैं बात करने। तो जब आप अपने रिचुअल्स करते थे, पूजा पाठ धार्मिक कर्मकांड करते रहे होंगे पाकिस्तान में, तो वो लोग रोकते थे आपको क्या? मंदिर मत जाओ ऐसे है ना, हमारे घरों के अंदर मंदिर थे वहाँ, जैसे घर के अंदर मंदिर बनाया हुआ हमारे, हम लोगों ने, हम भाई है 5-6 भाई। अच्छा, तो जैसे घर के अंदर मंदिर हमारा बढ़िया मंदिर था। पब्लिक प्लेस पे मंदिर नहीं होते थे? नहीं, वो मंदिर है लोग पाकिस्तान के अंदर सारे, हमारे कराची में, हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर हमारे मंदिरों की तबेला बना दिया वहाँ पे, कसाईखाना बना दिया वहाँ पे, ढाबा बना दिया वहाँ पे, तो ऐसे हिंदू वहाँ पे सोचते रहते थे क्यों भागते वहाँ पे। हाँ, अपना देखो चिड़िया अपना घर जो बनाती है, मैं घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है, घर बनाती है उसका, तिनका तिनका करके घर बनाती है, वो भी छोड़ती नहीं है। हमने तो हमारी जन्म भूमि है सिंध, हमारा जन्म भूमि है, हम पाकिस्तान नहीं कहते उसको, सिंध कहते हैं। हाँ, वो सिंध जो है हमारा, वो हमारी जन्म भूमि है, तो वहाँ की मिट्टी के हम पैदा हैं, हम उसकी धरती की अपना उनकी गिला नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं कट्टरवादी जो लोग हैं वहाँ के खिलाफ, उनके खिलाफ बात हम कर रहे हैं। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सभी हिंदू अच्छे हैं, ना सभी मुसलमान बुरे हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग रहते ही होंगे, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग बुरे ज़रूर होंगे, ऐसा कहना है सोनालाल जी का। सही कह रहे हैं बिल्कुल। सोनालाल जी, यहाँ क्या काम करते हैं हिंदुस्तान में आने के बाद? यहाँ पे हमारे जो सच बात तो ये है, यहाँ पे बच्चे बच्चे जो है कोई मजदूरी, कोई तगारी, कोई मोबाइल कवर की रेली है लगा लेते, मैं हूँ, बच्चे हैं, थोड़ी सी छोटी सी दुकान लगाई हुई है मैंने, कुछ चिप्स विप्स वगैरह। अच्छा, तो यहाँ से 150 परिवार रहते हैं? हाँ, आज से झूठ नहीं है, वो खाली हो चुकी है, अभी बंद कर दिया मैंने, बच्चे खा जाते हैं, पोते वोते खा जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़के हैं, 2 लड़के। अभी सिंध में कुछ लोग पीछे बचे हुए हैं वहाँ पे? हाँ, बहुत सारे बेचारे पड़े हैं वहाँ पे, उनसे बातचीत होती है? होती है, उनका है बेचारे कोई, उनका क्या इरादा कर इधर आने का है कि नहीं? है इरादा है, मगर उनके पास इतनी पूंजी नहीं है बेचारों के पास, कि वीज़ा अप्लाई कर सकें। हाँ, पासपोर्ट बनवा सकें। हाँ, और किराया दे के आ सकें। उनकी पूंजी नहीं है, और एक तो महंगाई ने लूट लिया वहाँ पे, महंगाई बहुत। हाँ, महंगाई ने इतना लूट लिया, एक तो हिंदू बेचारे वहाँ के जो भी हैं हिंदू हमारे, बड़े बड़े जमींदारों के पास जो वहाँ पे खेती बाड़ी जो है कमा कमा के खिला रहे हैं उनको, कर्ज में डबो के रखते हैं उनके हिंदू बेचारे जमींदार, बड़े बड़े जमींदार जो है कर्ज कर्ज में डबो के रखते हैं, तो उनकी बेचारों की जो हालत है ना अच्छी नहीं रहती है वहाँ पे, उनकी जो बुरी स्थिति में बेचारे जीवन गुजार रहे हैं वहाँ पे। तो हम भारत सरकार को भी यही कह रहे हैं, हम भारत सरकार को यही कह रहे हैं, तो उनकी जो जीवन उनका जो वहाँ पे जो बिल्कुल हालत उनकी जो बुरी है, जो वहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान सरकार को भी सोचना चाहिए, जो भारत के पाकिस्तान के अंदर हमारे हिंदू है उनको देखना चाहिए, उनकी स्थिति जो बेकार इतनी बिगड़ती जा रही है उनको देखना चाहिए, भारत को भी उनको दबाव देना चाहिए, तो उनकी जो बहू बेटियाँ जो है उनके धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं, अब हमारे मंदिर जो है वो तोड़ दे जाते हैं वहाँ पे, तो उनको भारत सरकार को भी दबाव देना चाहिए,
वो वहाँ की सरकार, उनको भी देखना चाहिए। हमारा सारा जीवन वहाँ पे गुजर गया, उनकी उनकी जन्मभूमि है हमारे हिंदुओं की, वहाँ पे कम से कम वहाँ की सरकार जो उनको तो देखना चाहिए ना, तो हिंदू की स्थिति क्या है। तो ये प्रार्थना सबसे है। पाकिस्तान के वीडियो देखने वाले, देश की जो कौमी तरक्की है वो कैसे होती है, आप एक बार हिंदुस्तान आइए और देखिए इस देश का मुसलमान कितने सुकून से रहता है, कितना ऐशो आराम से रहता है। उनके साथ नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होता है। हम सब मिलके यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं हम ताकि आप उस अपील को समझ सकें जो मैं उन हिंदू भाइयों के लिए कर रहा हूँ जो अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनकी संख्या भले ही बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान के साथियों, पाकिस्तान के नागरिकों, आपसे मेरी अपील है कि उन हिंदू भाइयों का ध्यान रखें और उनकी परवाह करें, उनके साथ कोई भेदभाव ना करें, धर्म परिवर्तन के लिए उन पर जोर ना बनाएं, जोर ना डालें। और सोना दास जी ये बताइए कि कुछ यादें हैं पुरानी? हाँ, बहुत पुरानी यादें। कुछ फोटो वगैरह आप लाए वहाँ से? एल्बम है, एल्बम है। हाँ, शादी बरात की? शादी बरात की तो नहीं है, मगर दूसरे फोटो दिखाएंगे क्या है। यहाँ के मुखिया सोना दास जी से जब मैंने गुजारिश की तो उन्होंने दिखाया उन तस्वीरों को जो खींची तो पाकिस्तान में थी, लेकिन अभी वो अपने साथ इन्हें हिंदुस्तान लेकर के आए हैं। बड़ी सुंदर तस्वीर है सोना दास जी आपकी और आपकी पत्नी जी की। हम इसी बीच में गए कुछ ऐसे घरों में जहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप चल रहे थे, प्रभु श्री राम के चित्र को देखा, वहाँ के मंदिर देखे, और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से उर्दू में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चल रहा है। ये देखिए सामने जो पुस्तक रखी हुई है, ये श्रीमद् भागवत गीता है जिसे उर्दू में लिखा गया है। और उर्दू सिंधी भाषा में इसका पाठ हो रहा है। और सामने की तरफ आप देखिए, ये वो लोग हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों में लीन हैं और यहाँ पर पूरी तरह से अपने राम कृष्ण और हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। यहाँ आने के बाद इन्हें इस बात की खुशी है कि कम से कम, चलो ठीक है, बड़ा घर नहीं सही, हम आराम से अपने धार्मिक क्रियाकलापों को कर पाए, हम पूजा कर पाते हैं, हम मंदिर जा पाते हैं, हम कर पाते हैं वो सारे अनुष्ठान जो एक हिंदू धर्म में आवश्यक होते हैं। और हमने इन लोगों से बातचीत करी, इनके धार्मिक रीति रिवाजों को जाना और इनके पहनावों को देखा, इनके रहन सहन को देखा। आगे वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए और तमाम सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं इन्हीं लोगों से, सिंध प्रांत के हिंदुओं से जो अनवरत पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आ रहे हैं। और क्या उम्मीदें करते हैं।